क्लास एट्थ। मैंने आज आपको लेट्स ट्राई वन कराना है, चैप्टर टू का। चैप्टर टू में लेट्स ट्राई वन हमें करना है, और इसमें दो मेथड्स होते हैं। जैसे एक मेथड ये होता है जिसमें कि हम जब भी सॉल्व करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 17, तो हमें 10 को रिमूव करना है, तो दोनों तरफ माइनस 10 करेंगे, इधर भी माइनस 10 और इधर भी माइनस 10, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि ये किया हुआ है, ये देखिए माइनस 10 और माइनस 10 दोनों तरफ कर दिया, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 7x बचेगा, और 17 में से 10 जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 7 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। देखिए 7 से दोनों तरफ डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। और एक तरीका है ट्रांसपोजिशन का। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है कि बस आप क्या करते हैं कि जो 7x के साथ 10 था, मैंने उसको ट्रांसपोज कर दिया इस तरफ को, तो ये माइनस 10 हो गया और यहाँ सीधा 7 हो गया। अब इसका दूसरे 7 को भी ट्रांसपोज कर देंगे नीचे डिवाइड में, देखिए ऐसे उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और सीधा ये वाला नहीं, ये कहाँ गया, ये नहीं है, इसमें सीधा सीधा डिवाइड करते हैं, 7 से 7, 7 कैंसिल हो जाता है और x की वैल्यू 1 आती है। आई थिंक ये वाला स्टेप जो है वो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेकिन ये ऐसे ही होता है, ठीक है। 7 से इधर को डिवाइड कर देंगे और सीधा सीधा आ जाएगा। तो अब जो लेट्स ट्राई है, लेट्स ट्राई वन, इसके अंदर ये बिल्कुल नहीं दिया हुआ है कि इसमें कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, तो मुझे लगा कि जो कन्वीनियंट मेथड है वो ट्रांसपोजिशन वाला है, तो मैं उससे करके दे रहा हूँ। और इसमें क्वेश्चंस जितने भी हैं, मैं एक आपको एक इसका व्यू दे देता हूँ पूरा, जिसके पास नहीं हो वो इसमें से जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो करेगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें से करवा रहा हूँ जो थोड़े से मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जिनमें आपको कुछ परेशानी हो सकती है, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करना शुरू करते हैं, लेट्स ट्राई फाइव। इसमें क्या है, लेट्स ट्राई फाइव में लेट्स ट्राई वन में पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं जो मैंने कराए हैं, उसके अलावा जो रह जाएंगे वो आपको करने हैं। इसमें क्या है, इसमें हर क्वेश्चन को करने के बाद उसे आपको जो है वो क्रॉस चेक भी करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है a माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो हमने माइनस का 3 इस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो प्लस का 3 हो जाएगा। बस उसको लिखना पड़ेगा कि ट्रांसपोजिंग 3 टू द अदर साइड एंड एडिंग, यानी उसको इधर माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ये माइनस में आ जाए प्लस में आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5 प्लस 3, यानी a इज इक्वल टू 8 आ गया। तो फाइनली आंसर हमारा ये आ गया, लेकिन इसे क्रॉस चेक भी करना है। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं हम कि a माइनस 3 इज इक्वल टू 5 है। अब अगर a माइनस 3 में a की वैल्यू 8 रख देता हूं मैं, तो 8 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 5 ही आ जाएगा, दोनों तरफ 5 आ रहा है, इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का a, 0.6 इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन है और x अपॉन 1.2 लिखा हुआ है। हमने ये एरो लगाया, ये दिखा रहा है कि 1.2 को मैं इस तरफ ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x इस तरफ रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ट्रांसपोजिंग 1.2 टू LHS एंड मल्टीप्लाइंग। अब हमें 1.2 को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देना है, 6.6 इंटू 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.72 आएगा, 0.72 आएगा। इसे क्रॉस चेक कैसे करेंगे, जो वैल्यू हमने x की निकाली है उसको हम सेम इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 0.6 आ रहा है और x की जगह पर अगर आप 0.72 लिखेंगे और नीचे 1.2, तो पॉइंट हटाने के बाद जब आप इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट 0.6 अगेन, तो 0.6 यहाँ भी आ गया, 0.6 यहाँ भी आ गया, सो दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। इसी तरह से थोड़ा सा टेढ़े क्वेश्चन है इसमें, वो देखें जरा, एक है ये 6 का a, 2/3 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 7/5। अब इसमें क्या करना है, देखो करना यही होता है कि हमें x को एक तरफ करना है, बाकी सबको एक तरफ ले जाना है, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है, ओके। तो क्या करेंगे हम, 3/2/3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 7/5,
तो 2/3 को हम दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो 3 इधर डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। एक्चुअली वो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 2/3 को अगर इस तरफ ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में था, इस तरफ डिवाइड में हो जाएगा और डिवाइड का साइन हटा के यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो ये जो नंबर है वो पलट जाता है, 3 ऊपर और 2 नीचे आ जाता है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि ट्रांसपोजिंग 3/2 टू अदर साइड एंड डिवाइडिंग। तो 3/2 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये 2/3 अब 3/2 इधर हो जाएगा, यहाँ पर इसे 2/3 ही लिखना चाहिए कायदे से, 2/3 को ट्रांसपोज किया इस तरफ लेकिन वो मल्टीप्लाई के साइन के साथ आएगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब इसमें कुछ भी कट रहा हो, कुछ भी नहीं कट रहा, तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 3 जै 21 और 5 2 जै 10। ठीक है, अब 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो 2 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो -2 यहां पर आ जाएगा। फिर लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 2 टू द अदर साइड एंड सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपन नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन था, इस तरफ ले गए तो माइनस आ गया, इसके नीचे 1 ले लेंगे और एलसीएम ले लेंगे 10, 10 1 जा 10 तो 21 आ जाएगा, 1 10 जा 10 तो 10 2 जा 20, तो 21 - 20 कितना हो गया 1, तो x इज इक्वल टू 1/10, x = 1/10। अब इसको क्रॉस चेक करेंगे, x की वैल्यू 1/10 आ रही है और इसको इस इक्वेशन में रखना है, देखो इस तरफ 7/5 है, अगर x की वैल्यू 1/10 मैं यहाँ पर रख दूंगा 1/10 और उसके बाद हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, जैसे 2/3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 7/5, एक्स की जगह पर जरा 1/10 रखें आप। ठीक है, तो यहाँ 10 और 1 में एलसीएम ले लेंगे 10, 10 1 जा 10 तो यहाँ 1 आ गया, 1 10 जा 10 तो 10 2 जा 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा यहां पर। अब 1 + 20 कितना हुआ, 21/10, 2/3 यही रहेगा और 21/10 यहां आ जाएगा। आप 3 से इसे काटेंगे 7 times, 2 से काटेंगे 5 times, तो 7/5, यानी यहां पर भी 7/5 आ गया और यहां ऑलरेडी 7/5 है ही, तो इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसका एक पूरा व्यू भी दे देता हूँ आपको, पूरी कॉपी का। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा कोशिश करके, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप बताइएगा। नेक्स्ट है 8a का ये क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था तो मैंने कहा इसको कराते हैं। x/4 + x/6 - x/3 - x/2 = 5/3, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, हम यहाँ एलसीएम लेंगे 12, क्योंकि 4, 6 और 3 और 2 ये सारे डिवाइड हो जाते हैं 12 से, तो इसका आप एलसीएम भी निकालेंगे तो 12 आ जाएगा। और इसको देख के भी फ्रीक्वेंटली आपके दिमाग में आएगा कि 12 एक ऐसा नंबर है जो सभी से डिवाइड हो जाता है, तो हम इसे रख देंगे यहाँ पर। तो 4 3 जा 12, 3x हो जाएगा यहाँ पर, 6 2 जा 12, तो 2 से ऊपर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा 4x, और 2 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे 6x, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ 3x और 2x कितने हो गए 5x, और माइनस का 4 और माइनस का 6 हो गए -10x, -10x में से 5x कम कर दो तो -5x बचेगा, तो -5x मैंने बचा दिया, और नीचे रखा 12 और इधर 5/3। अब क्या करेंगे, हमें x निकालना है तो 12 ऊपर चला जाएगा और -5 नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, -5 नीचे चला जाएगा, तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -5/2 टू द अदर साइड एंड डिवाइडिंग। ठीक है, तो अब हम इसे क्रॉस करेंगे, काटेंगे, 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। अब इसे क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं कि सेम इस जो इक्वेशन दी हुई थी इसके अंदर हम x इज इक्वल टू -4 रखेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पर -4 रखी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, -1 बच गया, यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो -2/3 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद -4/3 है तो -+ हो जाएगा 4/3, और ये माइनस है, ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 4/2। हम इनका एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 1 6 जा 6 और 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8 आ गया प्लस का, और 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, तो यहाँ पर 12 और 8 कितना हुआ 20, और 6 4 हो गया माइनस का 10, तो 20 में से माइनस का 10 गया
तो 10 बचेगा पॉजिटिव और नीचे बचेगा 6, और इसको जब हम 2 से कैंसिल करेंगे 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो 5/3 आ जाएगा, यहाँ भी 5/3 और यहाँ भी 5/3, यानी वेरीफाइड, ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें जरा, ये है 9 का फर्स्ट, ठीक है, 9 का फर्स्ट है, इसके बाद बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। तो मैंने इसको भी करा दिया, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था, ये भी 5p+2 -16/3p+1 = 8। तो 5p+1, इसको भी इसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि 5p+2 है, इसके नीचे 1 ले लिया हमने, क्योंकि हम इसमें जो है एलसीएम लेंगे बाद में, पहले ये 16/3p है, इसके नीचे 1 ले लिया, इसके नीचे 1 लेने के बाद एलसीएम आ जाएगा 3, इसमें 3 और 1 में 3 आएगा, 3 1 जा 3, तो 16p आ गया, और 1 3 जा 3 3 से ऊपर आ जाएगा 3, तो 16p+3 हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो हमने इन दोनों में एलसीएम ले लिया 3, 1 3 जा 3, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे में, और माइनस 3 से लेंगे तो 16p+3 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15p, और 3 2 जा 6, माइनस का 16p दिया है वो ऐसे ही आ जाएगा, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -3 यहां पर आ जाएगा, upon 3 = 8, ठीक है। अब देखें 15p और माइनस का 16p, तो ये -p हो गया, 6 में से -3 गया तो 3 हो गया, upon 3 = 8। अब 3 को इस तरह ट्रांसपोज करो, 3 को तो 8 × 3 हो गया, ट्रांसपोजिंग 3 टू द अदर साइड एंड मल्टीप्लाइंग, और माइनस पी है, 3 को फिर इस तरफ ट्रांसफर किया तो 24 हो गया था, और ये 3 प्लस का था, ये माइनस गया तो ये 21 हो गया, तो पी की वैल्यू आ गई -21। फाइनली पी की वैल्यू -21 आ गई। आपके लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ कि इसमें आप क्रॉस चेक खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक खुद करेंगे, और जो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ दिए हैं आपके लिए, उनको आप, उन क्वेश्चंस को आप खुद करके और मेरे पास सेंड करेंगे। मुझे होमवर्क जरूर चाहिए पर डे किसी से, सभी से, और जो नहीं देगा उससे मैं फ़ोन पर भी बात करूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि जो भी क्वेरीज है, जो भी दिक्कतें हैं, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैसेजेस या फ़ोन से, या जिस तरह से भी आपको दिक्कत हो आप मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन मुझे होमवर्क तो चाहिए। होमवर्क के बगैर ये कैसे पता लगेगा कि कैसी तैयारी चल रही है, आपकी कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हर एक स्टूडेंट को अपना होमवर्क भेजना ही है। ओके।